नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। सरायकेला खरसावा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने दो कुख्यात अंतरराज्यीय गिरोह के सरगना सहित 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बरामद किए गए हथियार। जमशेदपुर के रिटेल मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने साक्षी बाजार के दुकानों को शाम 7:30 बजे तक ही खुले रखने का लिया निर्णय। जिला प्रशासन ने समय सीमा को बढ़ाकर किया था 8:30 बजे। जमशेदपुर के जुगसलई निवासी मोहम्मद आबिद से रंगदारी मांगने के मामले में मानगो निवासी मोहम्मद अफसर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भेजा गया जेल। अब खबर विस्तार से। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 9,887 मामले सामने आए हैं, जिसमें 284 मौतें शामिल है। देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 2,36,657 हो गई है। 1,15,942 मामले सक्रिय हैं। 1,14,073 मरीज कोरोना से जंग जीत कर ठीक हो चुके हैं। सरायकेला खरसावा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिला पुलिस ने दो कुख्यात अंतरराज्यीय गिरोह के सरगना सहित 5 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। साथ ही पुलिस ने इनके पास से 4 पिस्तौल और जिंदा कारतूस और 3 मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। जानकारी देते हुए एसपी मोहम्मद अर्शी ने बताया कि जिला पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि अंतर्राज्यीय कुख्यात सरगना जल्ला फरोज और कलीम गिरोह ने आपस में सामंजस्य स्थापित कर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाई थी। एसपी के निर्देश पर टीम का गठन कर दोनों गिरोह के प्लान को डीकोड करने का निर्देश दिया गया। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए आदितपुर इलाके में मुस्लिम बस्ती एच रोड से सरगना जल्ला फरोज और कलीम को एक मोटरसाइकिल से जाने के क्रम में दबोचा गया। इनके पास से लोडेड 2 पिस्तौल और कई राउंड जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए, जिनके निशानदेही पर मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद को कपाली के डेम डूबे इलाके से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से भी 2 देशी कट्टा पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने इनके 3 मोटरसाइकिल भी जब्त कर लिए हैं। एसपी ने बताया कि दोनों गिरोह लॉकडाउन के दौरान आपस में मिल गए थे और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। उन्होंने बताया कि इनकी मंशा किसी नेता, सामाजिक कार्यकर्ता या उद्यमी की हत्या करने की थी। फिलहाल उन्होंने किसी के नाम का खुलासा नहीं किया है। उन्होंने बताया कि गिरोह के और भी सदस्य हैं जिनकी तलाश की जा रही है। फिलहाल जिला पुलिस के लिए इसे बड़ी कामयाबी के रूप में देखी जा रही है। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि पोस्ट लॉकडाउन फेज में आने के बाद से कई सारे अपराधियों ने प्लान बनाया था कि वो कुछ कांड करेंगे। ये लगातार सूचना मिल रही थी, बहुत क्लैरिटी नहीं थी, 10 दिन पहले से सूचना मिल रही थी। इस पे बहुत काम किया गया तो पता चला कि 2 गिरोह हैं यहाँ के जो बहुत वांछित गिरोह हैं। एक कलीम खान का गिरोह है और एक जल्ला फिरोज का गिरोह है। ये दोनों गिरोह आपस में समन्वय स्थापित करके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे के साथ मिल के कोई बहुत बड़ा कांड करने की फिराक में था, जिसमें किसी बड़े बिजनेसमैन की या किसी बड़े पॉलिटिशियन या किसी सामाजिक कार्यकर्ता किसी हु इज़ हु की हत्या करके ये लोग यहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। छापामारी की सूचना पे तो आदित्यपुर में एक बाइक पे जल्ला फिरोज और कलीम दोनों पकड़े गए। दोनों के पास से 2 ऑटोमेटिक वेपन जिनमें गोलियाँ थी, एक में 16 गोली थी, एक में 4 गोली थी, बरामद हुई। और उनकी निशानदेही पे उनके गैंग के 3 और सदस्य को हम लोगों ने कपाली क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। एक इसमें से मोहम्मद इरशाद है, एक मोहम्मद दानिश और एक इरफान, 3 लोगों को पकड़ा गया है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्टेट बैंक के लोन मैनेजर कुलदीप कच्छप की संदिग्ध मौत हो गई। उनका शव उनके घर के बाथरूम में मिला है। सोनारी स्थित अपने आवास पर मैनेजर अकेले ही रहते थे। बिष्टुपुर स्टेट बैंक के लोन मैनेजर कुलदीप कच्छप सोनारी स्थित गोल्डन टाउन के फ्लैट में पिछले 1 साल से अकेले ही रहते थे।
आज जब उनके घर में खाना बनाने वाली महिला आई तो पाया कि उनकी लाश बाथरूम में पड़ी हुई है। वे बिष्टुपुर के SBI शाखा में मैनेजर पद पर कार्यरत थे। यही बताया गया कि एक आदमी का इस बिल्डिंग में डेथ हो गया है। हमारे देखने के लिए तो पता चला कि काफी सारी संख्या में शराब का बोतल रखा हुआ है। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिक दारू पी करके उसका हार्ट अटैक हो गया है। तो देखने से अभी तक यही पता चला है बाथरूम में पड़ा हुआ है। अभी जाकर देखे है बाथरूम में सिंधी है। क्या नाम है इसका? पता चला नहीं। कुलदीप टोप्पो नाम है उसका। कुलदीप कच्चा। कुलदीप कच्चा कहाँ रहते हैं? उसका घर लोहरदगा साइड में है। घर वाले को खबर कर दिया गया है। ये अपने स्टेट बैंक में सर्विस करते हैं। ठीक है। और बैंक का स्टाफ लोग भी आए हुए हैं। ये क्या घर में अकेले रहते थे? अभी वर्तमान में तो अकेले रहते थे। जमशेदपुर के रिटेल मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा साक्षी बाजार के दुकानों को 7:30 बजे संध्या तक ही खोलने का निर्णय लिया गया है। वैसे जिला प्रशासन ने समय सीमा को बढ़ाकर 8:30 बजे तक कर दिया था। गौरतलब हो कि पूरे जिले में दुकानदारों को राहत देते हुए शाम के समय को 7 से बढ़ाकर 9 कर दिया गया है, जो शनिवार से प्रभावी हो गया है। लेकिन 9 बजे के बाद शहर में कर्फ्यू सख्ती से लागू होगी। इसके तहत दुकानों को 8:30 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई थी। बावजूद इसके साक्षी बाजार के रिटेल मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने यह तय किया है कि वो अपनी दुकानों को शाम के 7:30 बजे तक ही खोले रखेंगे। उनके अनुसार दुकानों में दूर दराज के इलाकों से कर्मचारी काम के लिए पहुंचते हैं। अगर 9 बजे वे घर वापस जाएंगे तो कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन होगा। साथ ही 8:00 बजे के बाद बाजार की सड़कें इन दिनों सुनसान रह रही है, जिसे दुकानदारों की सुरक्षा पर भी असर पड़ रहा है, जिस कारण ऐसा निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के इस निर्णय का सभी दुकानदारों ने साथ दिया है। हमारे संस्था के द्वारा यह तय किया गया है कि DC साहब का आदेश आया है कि आप अपनी दुकानें 8:30 बजे तक खोले, लेकिन प्रशासन को राहत देने के लिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से और मुख्यतः अपने कर्मचारियों को भी राहत देने के लिए हमने ये निर्णय लिया है कि 7:30 बजे तक ही हम अपनी दुकानों को खोलेंगे। और उसके बाद जो लोग दूर रहते हैं यहाँ से, जिनको ट्रांसपोर्टेशन की परेशानी है, साइकिल से आते हैं या ऑटो से आते हैं, वो लोग समय पर अपने गंतव्य तक पहुँच जाएँ। चूँकि उपायुक्त महोदय का ये भी आदेश आया है कि इस अनलॉक पीरियड में 9 बजे से जो कर्फ्यू होगा उसमें सख्ती बरती जाएगी, तो लोग सही समय पर अपने घर पहुँच जाएँ। बहुत दुकान राजी है और लगभग ये मैसेज जो है व्हाट्सएप के माध्यम से हमारा जो ग्रुप है रिटेल मर्चेंट का उसमें चला गया है। और लोगों ने, हम जो भी डिसीजन करते हैं अपने, जो हमारे गार्जियन हैं, जो हमारे सदस्य हैं, उनसे विचार मंथन करने के बाद ही कोई विचार किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता है। सभी ने इस सारे निर्णय का स्वागत किया है और सभी दुकानदार इस चीज़ के लिए तैयार है। जिला प्रशासन ने भी हमारे इस खबर को हाथों हाथ लिया है और उन्होंने भी स्वागत किया है इसका। जमशेदपुर के जुगसलई निवासी मोहम्मद आबिद ने रंगदारी मामले के मामले में मानगो निवासी मोहम्मद अफसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जहां आरोपी ने थाना परिसर में दीवार से मारकर अपने आप को घायल कर लिया। पिछले दिनों जुगसलई निवासी मोहम्मद आबिद ने जुगसलई थाने में मानगो निवासी मोहम्मद अफसर के नाम पर रंगदारी मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मोहम्मद अफसर को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान आरोपी द्वारा जुगसलई थाने में बवाल करते हुए अपने आप को चोटिल भी कर लिया गया। आरोपी के सर पर चोटें आई है। फिलहाल पुलिस पदाधिकारियों ने सदर अस्पताल में इलाज कराकर आरोपी मोहम्मद अफसर को जेल भेज दिया। इस संबंध में जुगसलई थाने में पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि रंगदारी मामले में आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। आरोपी द्वारा थाना परिसर में दीवार से अपने आप को मारकर घायल कर लिया गया है। संख्या 73/2020 में वादी मोहम्मद आबिद के आवेदन के आधार पर इसके विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है। इसके द्वारा रंगदारी की मांग की गई थी, इसी आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया। छापामारी कर माथा पटक लिया था दीवार में। जमशेदपुर सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन अगेंस्ट क्रुएलिटी टू एनिमल्स CPCA के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव नवल किशोर पासवान के नेतृत्व में संगठन के कार्यकर्ताओं ने केरल के
मालपुरम में गर्भवती हथिनी की मौत के मामले में दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। बताते चले कि केरल के मालपुरम में गर्भवती हथिनी की मौत सिर्फ पशु पक्षी प्रेमियों के लिए ही नहीं बल्कि इंसानियत और मानवता के पक्षधर हैं। पूरे देश के लोगों को इस घटना ने झकझोर कर रख दिया है। ये पशुओं के खिलाफ घृणा और अमानवीय कृत्य है। संस्था ने इस घटना से दुख और आश्चर्य व्यक्त किया है। कहा गया है कि अब तक दोषियों का पता नहीं चल पाया है। जमशेदपुर SPCA के नवल किशोर पासवान ने राष्ट्रपति से शीघ्र दोषी का पता कर उसकी कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। गर्भवती हथनी के साथ बम को खिला करके उसको मारने का वहाँ के जो भी दरिंदे लोग काम किया है उसको लेकर के आज हम आए हैं विज्ञापन देने के लिए। और राष्ट्रपति महोदय से मैं मांग करता हूँ कि बहुत कड़ी से कड़ी सजा उसे दिया जाए। और साथ साथ मेरे साथ संगठन के सभी कार्यकर्ताओं मल्लमपुरम में गर्भवती हथनी की मौत को लेकर के मामले को लेकर हम सभी SPCA के जो पदाधिकारी हैं आज उपस्थित हैं हमारे बीच। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राजू सामंत जी, राजा कालिंदी जी, विवेक गुप्ता जी, हमारे साथ बहादुर जी, सारे लोग उपस्थित हैं, हमारे टीम के लोग। और हम सभी टीम के लोग मांग करते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दोषी जो भी है उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। अखिल भारतीय नाई संघ के द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले के तमाम सैलून को खोले जाने की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष उठाई गई है। इस संबंध में इन्होंने एक मांग पत्र सौंपा है। इस दौरान संघ के अध्यक्ष ने कहा कि विगत 70 दिनों से नाई संघ ने सरकार का साथ देते हुए कोरोना महामारी के मद्देनजर अपनी दुकानें बंद रखी थी और अब समाज के लोग भुखमरी की स्थिति में पहुंच गए हैं। इन्होंने कहा कि लॉकडाउन का संपूर्ण पालन करते हुए सभी ने अपनी दुकानें बंद रखी और सभी नियमों का पालन किया था, लेकिन अब अगर दुकानें नहीं खोली गई तो स्थिति और विकट हो जाएगी। इन्होंने मांग पत्र के माध्यम से इस समस्या का निदान करते हुए इनकी दुकानें खोले जाने की मांग उठाई। हम लोग नाई समाज से आए हैं सर, अखिल भारतीय नाई संघ ट्रेड यूनियन पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत हम लोग नाई समाज से जुड़े हुए हैं और हम लोग नाई का ही काम करते हैं। सैलून हमारा सैलून दुकान है हम लोग का। 2.5 महीना लगभग होने ज़्यादा सर सैलून का कोई नीति स्पष्ट नहीं हुआ कि दुकान कैसे खुलेगा, कैसे खुलेगा, कैसे चलेगा, हम लोग का परिवार आगे कैसे जिए खाएगा। जो का उपार्जन की स्थिति बहुत खदानी हो गई सर। राशन का चावल दाल से सर सब कुछ नहीं हो रहा है सर। राशन तो हम लोग को मिल ही रहा है, चावल गेहूँ जो भी है मिल रहा है, लेकिन उससे सर पूरा तो होगा नहीं। दुकानदार जो है भाड़ा मांग रहा है सर, बोल रहा है कि भाड़ा देना नहीं, दुकान खाली करना होगा। तो सरकार से मेरे यही आवेदन है, निम्न निवेदन करता हूँ कि हमारे नाई समाज में जो नाई सैलून में काम कर रहे हैं संगठन द्वारा उसका लिस्ट समाज सरकार को दिया जाएगा। उस आर्थिक पैकेज उनको कुछ प्रोत्साहन राशि रूप में कुछ रुपये पैसे का भी व्यवस्था होना चाहिए जिनका आर्थिक नुकसान जो है वो कुछ हद तक पा सके हम लोग। जमशेदपुर में टीम संघर्ष परिवार के कोरोना योद्धा श्रीमान अवधेश कुमार वर्मा जी के द्वारा दूसरी बार सिंगल डोनर प्लेटलेट्स SDP के तहत जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्तदान करते हुए अपने मानवता का परिचय दिया गया। लगातार टीम संघर्ष के द्वारा लॉकडाउन की अवधि में शहर से लेकर गांव तक जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री पहुंचाई गई है। वहीं संस्था के ही पहल से लॉकडाउन के दरमियान लगातार रक्तदान को जारी रखा गया था जिससे कि रक्त की कमी शहर में नहीं हुई। वहीं आगामी 7 जून को भी संस्था के द्वारा ब्लड बैंक में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है जिसमें 300 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य तय किया गया है। जमशेदपुर ब्लड बैंक में टीम संघर्ष परिवार के कोरोना योद्धा श्रीमान अवधेश कुमार वर्मा जी ने फिर से दिया मानवता का परिचय और सिंगल डोनर प्लेटलेट्स रक्तदान कर एक अंधेरा रूपी जीवन में ज्योत जलाने का काम किया। और आने वाले 7 जून को भी टीम संघर्ष परिवार एवं अन्वेषा के द्वारा जमशेदपुर ब्लड बैंक में ही एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें लगभग 300 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है।
पूरे विश्व में तेजी से फैल रही कोरोना वायरस और उससे उत्पन्न महामारी की स्थिति को देखते हुए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल जमशेदपुर की ओर से निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम शहर में घूम घूम कर किया गया। पर्यावरण के प्रति रुचि रखने वालों पर उन्हें इच्छा अनुसार पौधे दिए गए, इच्छा अनुसार लोगों के बीच पौधा वितरित किए गए। प्रत्येक व्यक्ति को 2-3 तरह के पौधे दिए गए। इस दौरान इन्होंने कहा कि धरती की सतह का तापमान तकरीबन 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल जमशेदपुर की ओर से इस समस्या से उबरने के लिए एक छोटा सा प्रयास संस्था की ओर से की जा रही है। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पीकैप की ओर से आज 5 जून को आज हम लोग आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से शहर में घूम घूम कर विभिन्न जगहों पर थाना में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को भी हम लोग ले जाकर पौधा, औषधीय पौधा, फल का पौधा एवं फॉरेस्ट प्लांट भी दिए, जैसे सीता अशोक और भी मेडिसिनल प्लांट, पाथर कुची, ये सब पौधा बांटा गया। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।